हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपेर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में सीपीओ के बारे में दोस्तों बात करेंगे। जो आपका गाइस एडमिट कार्ड अभी आए हुए हैं आपके मेडिकल के लिए एसएससी सीपीओ के, तो गाइज आपको मैं बता दूं, आपका जो मेडिकल है गाइज वो मतलब कि पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। आपका जो मेडिकल है गाइज अभी नहीं होगा, वो अभी 31 मार्च के बाद आपके अलग से एडमिट कार्ड आएंगे। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त है अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर हो चुके हैं, आपके दो पेपर थे मुझे पता है हो चुके हैं आपके, अब आप मेडिकल के लिए प्रेफर हो पूरी तरह से, और कुछ लोग होंगे जो अपना मेडिकल करवा रहे हैं मेडिकल में जाके, तो मैं उनके लिए बता दूं गाइज आपका मेडिकल है जो पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिस, आप देख लीजिए एक बार। आपको फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट और सर्च पे क्लिक कर लेना, तो मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ एक बार। गाइज नीचे देखिए सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट आपको गाइज सेकंड लिंक पे क्लिक कर लेना, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों नीचे देखिए एसएससी सीपीओ एसआई 2018 डीएमई एग्जाम पोस्टपोन्ड, ठीक है। आप आराम से देख लीजिए दोस्तों, आपका जो मेडिकल होना था एसएससी सीपीओ का वो कैंसिल होके आगे कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको मैं ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें आपकी टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ मैं आपकी, इसमें टोटल वैकेंसी थी 1223 वैकेंसी इसमें टोटल थी आपकी। आपके फॉर्म थे गाइज बैचलर डिग्री के ऊपर थे, ठीक है। इसमें आपकी एज मांगी गई थी 20 से 25 इयर्स, ओके। और दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउनलोड डीएमई पोस्टपोन्ड नोटिस क्लिक हेयर, तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है कि नहीं, सोचते हैं कि चलो चलते हैं, तो यार प्लीज गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोरोना वायरस नाम की बीमारी जो इंडिया में चल रही हुई है अभी हाल ही में, उससे बच के रहिएगा। अपने घर वालों को भीड़ भाड़ के इलाके से जाने ना दें वहाँ पे, और खुद भी सेफ रहें, अकेले रहें, किसी को किसे ज्यादा मतलब बातचीत ना करें, घर में आराम से रहें, ना कि बाहर जाएं, ठीक है। वरना अपनी फैमिली को बाहर जाने दें, खासकर भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं, ना अपनी फैमिली को जाने दें, क्योंकि गाइज जो कोरोना वायरस है भीड़ में ज्यादा पाया गया है, ओके, जो खासकर बाहर से लोग आते हैं विदेशों से। गाइज यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस, गाइज ये नोटिस जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिस है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है गाइज। ये ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ मैं, और हाँ मैंने बोला था कि मेडिकल में क्या क्या होता है गाइज, देखिए इसमें मेडिकल में ज्यादा आपका बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, ज्यादा टफ लेवल में आपका मेडिकल नहीं होगा ये, ठीक है। इसमें आपका मान लीजिए आपके पास आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें एकदम 6x6 होनी चाहिए। अगर आपके आंखों में चश्मे चढ़े हुए हैं तो गाइज आप चश्मे वहाँ पे लेके जाएं, ठीक है। और आपका जो भी और जो मेडिकल होना है बिल्कुल नॉर्मल होना है। अगर जिन मेरे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम है मेडिकल में मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे, आपका जो आप पक्का दूंगा। इसके लिए अलग से वीडियो बनानी हो तो मुझे वो भी बताइएगा, बनानी है या नहीं बनानी है आप प्लीज मुझे जरूर बता दीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और हाँ फ्रेंड्स जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिनको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है, जो फ्रेंड्स आपको बहुत काम में आती हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने बेल बटन भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच।